वेले दी वड्डी खबर आ रही है सीएम सिटी मोरिंडा तो जिथे मुख्यमंत्री दी कोठी दा घिराव करन जा रहे अध्यापकां ते पुलिस वल्लों लाठीचार्ज किया गया। जी हाँ, इस लाठीचार्ज विच कई अध्यापक बुरी तरह जख्मी हो गए ने, कई दे गिट्टे गोडे निकल गए ने, जबकि एक अध्यापक का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। ये अध्यापक मुख्यमंत्री की कोठी का घिराव करने लिए अगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने बैरीकेड ला के इन्हों रोकने की कोशिश की, जिस कारण दोवां धिरां विचाले धक्का मुक्की शुरू हो गई अते पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिता। वोकेशनल यूनियन पंजाब दे ए अध्यापक वड्डा काफला लैके मुख्यमंत्री दी कोठी दा घिराव कर निकले सी। पुलिस ने इन्हां अध्यापकां नूं रस्ते विच ही रोकण दा यतन किया, जबकि अध्यापक बैरीकेड तोड़ के अगे बढ़न की कोशिश कर लगे। मामला ज़्यादा वधदा देख के पुलिस ने इन्हां वोकेशनल अध्यापकां ते लाठीचार्ज कर दिता, जिस विच महिला मुलाजमां सने कई अध्यापक बुरी तरह जख्मी हुए ने। उधर जख्मी हुए अध्यापकों ने दोष लाया कि पुलिस मुलाजम जानबूझ के उन्हां उपर अत्याचार कर रहे ने अते कुड़ियां तक नूं भी नहीं बख्श रहे। उन्हां कहा कि वह इत्थे शांतिपूर्वक धरना करन आए सी, पर पुलिस प्रशासन ने उन्हां नाल जानवरों तो भी भैड़ा वर्ताव किया। शांतिपूर्वक नहीं किन्ना चिर होगा धरना कर दें।
ਭੈਣਾਂ ਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਗੁੱਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਕੱਟੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। फिलहाल खबर लिखे जाने तक दोवां धिरां विचाले माहौल तनावपूर्ण बनिया होया अते प्रदर्शनकारी अध्यापकों वल्लों रोड जाम करन दी तैयारी की जा रही है, जबकि जख्मी अध्यापकों नूं इलाज लई हस्पताल भेजण की सूचना भी प्राप्त हुई है। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैणी, पंजाबी लोक चैनल।